तो अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो। तो आज की वीडियो में हम 50,000 की एक कंप्लीट पीसी बिल्ड करेंगे जो कि हमारा पार्ट नंबर 1 है। तो लेट्स स्टार्ट। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिस भाई ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को क्लिक कर ले ताकि उसको नई वीडियो की नोटिफिकेशन ईजिली मिल जाए। तो बॉयज हमारे पास 50,000 है, 50,000 के अंदर हमने 40,000 के अंदर एक पीसी बनाना है और 10,000 के अंदर हमने उसकी दूसरी एक्सेसरीज वगैरह हमने बाय करनी है। सबसे पहले हमने एक कस्टम बिल्ड बनानी है इन 40,000 के अंदर। अपनी एक नॉर्मल टावर केस ले रहे हैं जो कि आपको 2,000 के अंदर मिल जाएगा इजीली। और इसी तरह हमारे पास जो मदरबोर्ड होगा वही हमारा जो पुराना जो मैं यूज़ करता आ रहा हूँ वो है ASUS का H61MESCS जो कि 2 स्लॉट के साथ आएगा और यूज़ में आपको 4,000 का मिल ही जाएगा। और इस पर आप i5 3rd generation, i7 3rd generation सपोर्ट कर सकते हो। फिलहाल जिसके अंदर हम CPU यूज़ करेंगे वो है i5 3rd generation। तो i5 3rd generation के कुछ मॉडल हैं वो आपको मैं दिखा देता हूँ। i5 3570 3.4 GHz है, इसके बाद i5 3470 3.2 GHz है, इसके बाद i5 3450 3.1 GHz है, इसके बाद i5 3340 3.1 GHz। यूज़ में आपको 6,000 का इजीली ये CPU मिल जाएगा और अच्छा CPU 4 core 4 thread के साथ आता है, आपकी गेमिंग ईजिली हो जाएगी। इसके बाद आगे हमने जो रैम यूज़ करनी है वो कोई भी किंगस्टन या कॉर्सर की 8GB DDR3 जो कि 6600 MHz में आपको मिलेगी, जो कि यूज़ में आपको 5,000 या 5,500 की इजीली मिल जाएगी। नेक्स्ट इसके बाद हमने हार्ड डिस्क यूज करनी है जो कि आपको 500 GB मिलेगी 2,000 के अंदर। SSD भी आपकी मर्जी है, अगर हम SSD यूज करेंगे तो हमारा बजट कम हो जाएगा, तो मैं SSD इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा। अगर तो आपका दिल कर रहा है तो आप जरूर यूज कीजिएगा, अगर मेरे से पूछे तो मैं तो जरूर रिकमेंड करूंगा। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ 120 GB की आपको 3,000 की मिलेगी। इसके बाद आपको पावर सप्लाई मिलेगी EVGA की जो कि 500 वॉट होगी जो कि 3000 की आपको मिलेगी 80 प्लस में, ठीक है। तो बॉयज इसके बाद हमारे जो नेक्स्ट कंपोनेंट है इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ग्राफिक्स कार्ड। ग्राफिक्स कार्ड इसके अंदर मैं आपको रेकमेंड करूंगा NVIDIA की तरफ से आने वाला GTX 750 Ti जो कि 2 GB में आता है, 128 bit है, GDDR5 है जो कि आपको 18,000 का इजिली मिल जाएगा। और पता है ये हमारा कार्ड कौमी कार्ड है, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है, हर एक को पता होता है बच्चे को, तो ये कार्ड आपने लेना है, ठीक हो गया। अगर किसी को ये कार्ड अच्छा नहीं लग रहा कि मैं नहीं लेना तो वो RX 564 GB की तरफ ही जा सकते हैं, पर थोड़ा सा वो कॉस्टली है, वो 20,000 प्लस का है। बस ये मैंने आपको बताना था। ये होगी हमारी बिल्ड 40,000 के अंदर। इसके बाद जो हमारा आगे बजट है 10,000 के अंदर, आपको नजर आ रहा होगा आपने एक LCD लेनी है 20 इंच की एटलीस्ट जो कि 6,000 की इजिली मिल जाएगी आपको मार्केट में होलसेल रेट में। और इसके बाद जो राइट साइड पे आपको कीबोर्ड माउस और स्पीकर वगैरह या हेडफोन वगैरह आपको 1500 के अंडर मिल जाएगा, इट्स मीन कि आपको कीबोर्ड जो है अच्छे वाला कोई 500 का मिल जाएगा, माउस भी आपको तकरीबन 300 या 350 रुपीज का मिल जाएगा। इसके बाद आ जाती है हमारे पास केबल यानी कि HDMI या VGA या DVI आपको केबलें मिल जाएगी जो कि 250 की होती हैं, आप अपनी कंडीशन के मुताबिक ले लीजिएगा। और इसी तरह एक पावर केबल होती है जो कि एक आपको LCD के लिए चाहिए होगी और एक अपने PC को चलाने के लिए चाहिए होगी, वो भी दोनों तकरीबन 250 की मिल जाती है। और ये कुल मिला के आपको ईजिली 1500 के अंदर ये आपकी चीजें आ जाएंगी और जिससे LCD भी आपको आ जाएगी और ये मिला के 50,000 के अंदर एक अच्छी बिल्ड बन जाएगी जिसपे आप इजिली लो टू मिड सेटिंग के ऊपर आप गेमिंग कर सकते हो। तो ये रही आज की वीडियो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज़।